डोईवाला किसान भवन में मजदूर एवं किसान संगठन की ओर से राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियन स्वतंत्र फेडरेशन मंच सहित उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सरकार के नीतियों के खिलाफ 26, 27 और 28 नवंबर को विभिन्न यूनियन के लोग सरकार से मांग करेंगे। यूनियन से जुड़े पदाधिकारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने का काम कर रही है, जिसका असर मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके अलावा किसानों की विभिन्न मांगों पर भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। साथ ही बिजली की दरों को भी लगातार बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। इसी को लेकर उत्तराखंड के विभिन्न संगठन आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। किसानों की एमएसपी की मांग हो, बिजली बिल की मांग हो, किसानों के ऊपर मुकदमे की मांग हो, जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून तो वापस किए थे, लेकिन उसके बाद घोषणा की थी कि सभी लोग वापस लेंगे, एमएसपी की हमारी गारंटी देंगे, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई। 28 नवंबर को जो हमारा धरना प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ है, उसी समय में आज विभिन्न संगठनों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें C2 के, इंटुक के, इंटक के और जितने भी संगठन हैं हमारे, आज इसी संबंध में आज तैयारी करने के संबंध में यहाँ आयोग हमें बनाया है ना डोईवाला में, किसान संगठन के कारण यहाँ किसान सक्रिय रहे हैं। तो 91 के बाद जो सरकार रहे हैं, सरकारों ने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। सारे बैंकों को बेच रहे हैं, उद्योग धंधों को बेच रहे हैं, चीनी मिलों को बेच रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में बेच रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वालों ने पूरी खेती पर कब्जा करने का प्रयास किया। आप जानते हैं बहुत बड़ा किसान आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर हुआ उन 3 काले कानूनों के।